सदगुरु कबीर ने बीजक में एक पद कहा है, है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे, पानी में पावक बरे अंधे ही आँख न सूझे, गाय तो नहर खायो हरिन खायो चीता, काग लंगर फांद के बटेर बाज जीता, मूस तो मंजारी खायो श्यार खायो स्याना, आदि को उदेश जाने तासु बेस बाना, एक ही दादूर खायो पांच ही भुवंगा, कहीं कबीर पुकार के है दो एक संगा। उलटवासी पद है यह भी। पहली पंक्ति में सदगुरु कबीर का प्रश्न है, प्रश्न है और एक चुनौती है, अंदर झांकने के लिए प्रेरणा है। ऐसा लगता है कि कहीं पर कुछ लोग बैठकर ज्ञान की चर्चा कर रहे हों। अब जब कुछ लोग बैठ करके कुछ ज्ञान आदि की चर्चा करते हैं तो हर आदमी यही प्रदर्शित करता है कि मैं दूसरों से ज़्यादा ज्ञानी हूँ। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने को दूसरों से कम ज्ञानी मानता हो। नहीं तो ज़्यादातर लोग अपने को दूसरों से ज़्यादा और बड़ा ज्ञानी मानते हैं। हमारा अहंकार यह स्वीकार नहीं करता कि मैं दूसरों से कम ज्ञानी हूँ, अपमान होने का डर रहता है। और जिसे अपमानित होने का डर है वह ज्ञानी नहीं हो सकता है। दूसरों से अपने को बड़ा ज्ञानी मानकर, बड़ा विद्वान मानकर जो सम्मान पाने की इच्छा रखता है वह ज्ञान को समझता भी नहीं है। जानकारियां बटोर लिया है, बस कुछ शब्दों को रट लिया है, याद कर लिया है और उनके बल पर मानता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। तो लोग ज्ञान चर्चा करते रहे होंगे, उन्हीं बीच में कबीर साहब पहुंच गए। तो उन ज्ञानियों के बीच एकाएक कबीर साहब पहुंच गए। उनकी बात सुन करके उन्होंने उन लोगों से पूछ लिया, है कोई गुरु ज्ञानी कि क्या आप लोगों में कोई गुरु ज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञानी, बड़ा ज्ञानी है? और यदि है तो क्या वह जगत से लौटकर, दुनिया से लौटकर वेद को बुझेगा, वेद को समझने तैयार है, वेद को समझता है?
ज्ञानी कौन? ज्ञानी वह नहीं है जो अनेक भाषाओं का, अनेक विषयों का, अनेक कलाओं का ज्ञाता है। यदि उसे हम ज्ञानी माने भी तो उसका ज्ञान केवल जीवन निर्वाह में और लोक प्रसिद्धि में कारण और साधन बन सकता है। ज्ञान तो वह है जो हमें दुखों से मुक्त करता है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह हो, विद्या वह है जो मुक्ति देती है, मुक्त करती है। किससे मुक्त करती है? दुखों से मुक्त करती है, तो वही ज्ञान है। हम दुखी क्यों हैं? राग के कारण, इच्छा कामना मोह आसक्ति के कारण। जितना जितना हमारे अंदर राग होगा उतना उतना उसी मात्रा में हमारे अंदर दुख बढ़ता चला जाएगा। राग ही नहीं है तो दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है, और राग थोड़े थोड़े में बन जाता है। जहां भी थोड़ी अनुकूलता मिलती है और अनुकूलता बराबर मिलती गई, राग बनता चला गया। अब जहां तो वो चीज नहीं मिली या छूट गई तो चिंता शुरू हो जाती है, दुख शुरू हो जाता है। तो राग का त्याग, वितराग हो जाना, यही ज्ञान है। अनासक्त हो जाना, निर्मोह हो जाना, यही ज्ञान है। साक्षी ग्रंथ में सद्गुरु कबीर ने कहा है, विषय त्याग वैराग्य है, समता कहिए ज्ञान। वहां उन्होंने ज्ञान का अर्थ दिया है समता। सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, हानि में, लाभ में, जो समता भाव में जीता है, द्वंद्वग्रसित नहीं होता, आंदोलित नहीं होता, वह ज्ञानी है। आंदोलन, हलचल में पड़ जाना हमारे अज्ञान की पहचान है। और समता भाव क्यों नहीं आता? क्योंकि कहीं राग है, कहीं द्वेष है, कहीं मोह में मन डूबा हुआ है। तो श्रेष्ठ ज्ञानी वह है जो निर्मोह अनासक्त, जो निर्मोह और अनासक्त है, उसे दुखी होने का कोई कारण ही नहीं रह गया। क्यों दुखी होगा? ज्ञानी का लक्षण बताते हैं साहब आगे इसी में ही। ज्ञानी कौन? जगत उलट वेद बूझे, जो संसार से लौटकर वेद तत्व को बूझता है। तो यहां वेद को बूझने का मतलब ऋग, यजुर्, साम, अथर्व, ये जो चार वेद हैं, इनका ज्ञाता होना, इनकी टीका व्याख्या करने वाला होना, ऐसा नहीं है। यहां वेद का अर्थ है ज्ञान तत्व, जहां से सारा ज्ञान निकलता है उस तत्व को। वेद विद धातु से बना हुआ है, और विद धातु का अर्थ होता है जानना, समझना, ज्ञान। तो वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद बुझने का अर्थ है ज्ञान तत्व।
आत्मा को स्वयं को समझना, संसार से लौटकर आत्मलीन हो जाना, यह बड़े ज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञानी होने की पहचान है। हर समय हमारा मन संसार में डूबा रहता है, जो कुछ इंद्रियों से समझने में आता है, देखने में आता है, सब संसार ही तो है। हम बाहर से जो कुछ जान रहे हैं सब संसार, और उन्हीं में हमारा मन रात दिन डूबा रहता है। तो शरीर भाव से, संसार भाव से ऊपर उठकर अपने आत्म तत्व को समझ लेना और समझ करके उसमें स्थित हो जाना, सत्य तत्व को प्राप्त कर लेना, यह श्रेष्ठ ज्ञानी होने का लक्षण है, यह पहचान है। वेदों की व्याख्या, शास्त्रों की व्याख्या कर लेना तो सरल है, अभ्यास से कोई भी ऐसा कर सकता है। लेकिन एक तरफ वेद का ज्ञान और दूसरी तरफ दुनिया का मोह, साथ साथ कैसे चल सकते हैं? महाभारत में एक छोटा सा पर्व है, किसी पर्व के अंतर्गत सनत सुजाति पर्व, उसमें कहा गया है, यो वेद वेदान न स वेद वेद्यम सत्य स्थितो यस्त स वेद वेद्यम। जो वेदों की टीका व्याख्या करना जानता है वह वेदों का असली ज्ञाता नहीं है। वेदों का असली ज्ञाता कौन है, वेदों का जानकार कौन है? सत्य स्थितो यस्त, जो सत्य में स्थित हो गया है, सत्य परायण जिसका जीवन हो गया, सत्य में जी रहा है, वह वेदों का असली ज्ञाता है। तो यहाँ वेद से मतलब खाली चार वेद ही नहीं है, सभी शास्त्रों का, चाहे वेद हो, कुरान हो, बाइबिल हो, जिंदा व्यवस्था हो, गुरुवाणी हो, या अन्य और जो शास्त्र हों, उन सबके ज्ञाता होने का अर्थ है जीवन का सत्य परायण होना, झूठ का मोह मिटकर मन का सत्य में स्थित हो जाना। जो झूठा है वह कभी हमारा अपना हो नहीं सकता, साथ दे नहीं सकता। जो सत्य है वही साथ देने वाला है और वही हमारा अपना हो सकता है, अपना है, लेकिन उस सत्य का हमको ज्ञान ही नहीं है, इसलिए असत्य में राग कर करके हम दुखी बने हुए हैं। असत्य का राग जब तक मिटेगा नहीं तब तक सत्य में अनुराग नहीं होगा, और जब तक सत्य में अनुराग नहीं होगा तब तक हम दुख मुक्त नहीं हो सकते हैं। असत्य क्या है? जो आज है और कल न रहे वो असत्य, बदलने वाला है। साहब ने कहा है, झूठ झूठा के डारहू मिथ्या यह संसार, ते ही कारण मैं कहत हूँ जाते होय उबार। जो झूठ है उसको झूठा समझकर छोड़ दो, ये संसार मिथ्या है। क्या सद्गुरु कबीर का संसार को मिथ्या कहने का अर्थ ये नहीं है जैसे कुछ दार्शनिक कहते हैं? संसार तो अपनी जगह पर सत्य है, लेकिन संसार से हमारा जो संबंध है वह झूठा है, मिथ्या है। आज के जो प्राणी पदार्थ हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं,
इस जीवन के पहले उनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था और उनको लेकर के हमारे मन में कोई सुख दुख नहीं था। जब हमारा शरीर छूट जाएगा तो जिन प्राणी पदार्थों को लेकर के आज हम सुखी दुखी हो रहे हैं उनसे हमारा संबंध फिर छूट जाएगा। कितने दिन के लिए? सदा काल के लिए। जो कल नहीं था आज है और कल नहीं रहेगा, वही तो झूठ है। जन्म के पहले हमारा शरीर ही नहीं था, आज है, मृत्यु के बाद शरीर फिर खत्म हो जाएगा। और इसी में हमारा मोह है और यही मोह हमारे लिए दुख का कारण बनता है। जीवन है, ठीक है, शरीर है, प्रारब्धवश बना हुआ है और जब तक प्रारब्ध कर्मों के वेग से ये शरीर चल रहा है, चलेगा, तब तक इन्हीं झूठों के बीच निर्वाह करना होगा, व्यवहार करना होगा। लेकिन निर्वाह और व्यवहार करते हुए हमें समझना होगा कि इनका और मेरा संबंध आजकल में सदा सदा के लिए छूटने वाला है। इस भाव में जिसका मन टिका रहता है, ये बोझ जिसके मन में हर समय बना रहता है, उसको मिलने बिछुड़ने में हानि लाभ में दुख नहीं होता, उसका मन द्वंद्वग्रसित नहीं होता, वो समता भाव में जी लेता है। और समता भाव में जीना ही वास्तविक ज्ञान है। तो है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे। चतुर कबीर कहते हैं, गुरु ज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञानी, महान ज्ञानी वह है जो संसार से लौटकर, संसार से अनासक्त होकर वेद तत्व, आत्म तत्व, राम तत्व, ब्रह्म तत्व को समझता है। समझने का मतलब है उसमें स्थित होने के साधना कर रहा है या जो स्थित हो चुका है। पानी में पावक वरे अंधे आँखें न सूझे। सदगुरु कहते हैं पानी में आग जल रही है, लोगों को आश्चर्य हुआ। पानी तो आग को बुझा देता है, शीतल होता है, उसमें आग कैसे लगेगी? और साहब कह रहे हैं कि पानी में पावक बर है, पानी में आग जल रही है। तो लोगों ने कहा, साहब आप क्या बात करते, उल्टी बात करते हैं। पानी में कहीं आग जलती है? और जलती भी है तो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ता? साहब कहते हैं जो अंधे होते हैं उन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। मतलब हम सब अंधे हैं साहब की दृष्टि में। आपने कहीं देखा है पानी में आग लगते? अंधे आंखें देखता, अंधों दिखाई नहीं पड़ेगा, आंख वाले को दिखाई पड़ेगा। वो कौन पानी है और कौन आग है? न वो पानी बाहर का है, न वो आग बाहर की है, भीतर की बात है। साहब ने पानी में आग लगने की बात अनेक जगह कही है। बीजक में एक साखी आती है, आग जो लागी समुद्र में धुआं न प्रगट होए, की जाने जो जरिमुआ की जाकी लाई होए। समुद्र में आग लगी लेकिन उस आग में कोई धुआं नहीं है, और धुआं नहीं है तो दिखाई कैसे पड़ेगी आग? जान कैसे पड़ेगा कि आग लगी हुई है? उस आग को वही जानता है जो उस आग में जल रहा है, या वह जानता है जिसने वो आग लगाई है। यहाँ समुद्र है साधक का अंतःकरण। साधक के अंतःकरण रूपी समुद्र में ज्ञान की आग लग गई, लेकिन धुआं नहीं होगा। किसके भीतर कितना ज्ञान है, कौन कितना निर्मोह हो चुका है, अनासक्त, निष्काम हो गया है, जानने का कोई पैमाना हमारे पास नहीं है,
कोई थर्मामीटर नहीं है, लगा दो मुख में और पता चल दो हाँ इसके भीतर इतना मोह है और इतना मोह घट गया है। साधक ही जान सकता है कि जाने जो जरिमुआ, उस ज्ञान की आग से जिसके अंतःकरण के विकार जल गए, दुख खत्म हो गया, वो साधक ही समझेगा या थोड़ा बहुत समझेगा जाकी लाई हो। जिस गुरु ने साधक अंतकरण में ज्ञान की आग लगाई वो गुरु समझ सकता है, या तो शिष्य समझेगा या गुरु समझेगा, बाकी लोग नहीं समझेंगे। बाकी लोग तो सोचते हैं अरे ये साधु भी कौन है, जैसे हम खाते पीते हैं वैसे ये भी खाता पीता है, जैसे हम कपड़े पहनते हैं मकान में रहते हैं वैसे ये लोग भी कपड़े पहनते हैं मकान में रहते हैं, जैसे हम लोगों से मिलते जुलते हैं वैसे ये लोग मिलते जुलते हैं, आखिर इनमें हम में और इनमें अंतर क्या है। दुनिया के लोग तो अपनी छटंकी से ही साधकों को तोलना चाहते हैं, तो समझ ही नहीं पाएंगे आज तक कौन समझा है किसको। बड़े बड़े ज्ञानियों को, त्यागियों को, जीर्णमुक्त संतों को भला बुरा कहा गया है, निंदा की गई है, आलोचना की गई है, तो दूसरे लोग समझ नहीं सकते हैं कि किसके भीतर कितने ज्ञान की आग लगी है और किसके भीतर का कूड़ा कचरा मनोविकार जल करके कितने राख हुए हैं। ये स्वसंवेद्य आग है, व्यक्ति स्वयं समझ सकता है। हमें टटोलना है अपने अंतकरण को कि हमारे भीतर ज्ञान की आग कितनी लगी है और उस आग में हमारे मनोविकार कितने जल रहे हैं, कितने शांत हो रहे हैं। तो यहाँ अर्थ दूसरा है आग के। इस संदर्भ में साहब जो कहते हैं पानी में पावक बरे, पानी में आग जल रही है, यहाँ पानी है शीतलता का प्रतीक, शीतलता पानी का गुण है भी, पानी शीतल होता है स्वाभाविक, स्वभाव ही है पानी का शीतल होना, और आग का स्वभाव है उष्ण होना, गर्म होना, जलाना। पानी शीतल, आग गर्म, पानी शीतल, हर व्यक्ति की अपनी चेतना, अपना आपा शीतल है, शांत है, सुख स्वरूप है, लेकिन स्वभाव से शीतल आत्मा, शीतल जीव मनोविकारों की आग में जल रहा है, काम की आग में, क्रोध की आग में, लोभ की आग में, मोह की आग में, भय चिंता की आग में, मनोविकार का देने सब आ जाएगा। जीव के स्वरूप में, आत्मक स्वरूप में कोई दुख नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, फिर भी हर जीव हर मनुष्य तो दुखी है, क्यों? भीतर आग लगी है, ईर्ष्या की, द्वेष की, बैर की, विरोध की। लेकिन हम इतने अंधे बने हुए हैं कि अपने ही मनोविकारों को हम समझ नहीं पा रहे हैं। दुखी तो हैं लेकिन क्यों दुखी हैं, दुख का कारण क्या है नहीं मालूम। हर आदमी अपने दुख का कारण दूसरों को बताता है, किसी मनुष्य को बताएगा, किसी परिस्थिति को बताएगा, लेकिन दुख का कारण बाहर कहीं नहीं है, दुख का कारण है भीतर। सोचें यदि आप या हम कोई भी हो किसी से मोह ना बनाए होते, किसी से राग न किए होते, तो चिंता और शोक की आग में हमको जलना क्यों पड़ता? जितना मोह बनाओ, जितना राग बनाओ, उतने चिंता और शोक की आग में जलो। कहीं किसी के लिए राग नहीं है, मोह नहीं है, तो चिंता किस बात की, शोक किस बात की, कौन छूट जाएगा,
कौन मर जाएगा? रो तो मर रहे हैं लोग, रो तो चीजें छूट रही हैं। ये राग, ये मोह किसी ने बनाकर आपके मन में डाल दिया है कि आपने बनाया है या हमने बनाया है? हमारे लिए कोई दूसरा राग नहीं बनाता, मोह नहीं बनाता। हम ही सुख मान करके, अपना मान मान करके राग बनाते हैं, मोह बनाते हैं। और जितना राग मोह बनाते गए, उतने चिंता और शोक की आग में जलते चले गए। और आज दिन जल ही तो रहे हैं। सोचें, यदि हम किसी से बैर और द्वेष ना बनाए, यदि हम किसी से बैर ना बनाते, किसी दुश्मन ना मानते, किसी से द्वेष ना बनाते, तो क्रोध की आग में क्यों जलते, विरोध की आग में क्यों जलते, ईर्ष्या की आग में क्यों जलते? क्या किसी ने बना करके बैर बाहर बनाकर हमारे भीतर डाल दिया है? हमारे लिए ईर्ष्या कोई दूसरा बनाता है? हमारे लिए क्रोध कोई दूसरा बनाता है? ये हमारे प्रतिकूल है, इन्होंने हमारा काम ऐसा बिगाड़ दिया, इन्होंने हमारा अपमान कर दिया, इन्होंने हमें ऐसी अनसुहाती बात कह दी, ऐसा सोच सोच करके बैर और द्वेष हम स्वयं बनाते हैं और फिर क्रोध और बैर की आग में निरंतर जलते रह जाते हैं। सोचें कि यदि हम कोई गलत आदत ना बनाते, कोई भी गलत आदत ना बनाते, तो उस चीज़ के न मिलने पर हम उसकी आग में क्यों जलते? गांजा की, भांग की, बीड़ी की, सिगरेट की, शराब कबाब की, ये आदत किसने बनाई हमारे लिए? हमने बनाई, अब उसी आग में हम स्वयं जल रहे हैं। लेकिन क्या इसको स्वीकार करने के लिए हमारा मन तैयार है? दुनिया में बिरले आदमी होगा जो स्वीकार करता होगा कि मैं अपने कारण दुखी हूं, और जो ये स्वीकार करता है कि मैं दुखी हूं तो केवल अपने कारण, वही ज्ञानी है, वही साधक, वही धार्मिक। बाकी दिखावा के धार्मिक, ज्ञानी और साधक तो बहुत हैं, हम सब लोग हैं। तो पानी में पावक भरे, स्वभाव से शीतल आत्मा, स्वभाव से शीतल जीव, जिसके स्वरूप में कोई भी दुख नहीं है, हमारे मूल स्वरूप में कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं है। यदि हमारे स्वरूप में दुख होता तो कितना भी हम त्याग वैराग का काम करते, कभी भी हम दुख से मुक्त हो नहीं सकते, क्योंकि स्वभाव दूर कैसे होगा? दुख तो बाहर से आया हुआ है। आया हुआ क्या है? हमने बना लिया है। जहां जहां हमारी आसक्ति होती है, वहीं वहीं हम कमजोर होते हैं और वहीं वहीं हम दुखी होते हैं। आसक्ति कहो, आदत कहो, बात तो ये की ही है। तो सारे के सारे मनोविकार हमारे बनाए, और जितना हम विकार बनाते जाते हैं उतना हम आग में जलते चले जाते हैं, अशांत होते चले जाते हैं। यही है पानी में आग लगना, स्वभाव से शीतल, शांत, निर्मल जीव, ये चेतन अपने बनाए विकारों की आग में जल रहा है। हम अपने विकारों को दूर करने का काम नहीं करते, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, हे भगवान
कृपा करो, हे भगवान कृपा करो। कौन कृपा करेगा आप पर, ये समझ लेना होगा कि आपके ऊपर हमारे ऊपर सबकी कृपा है। उस कृपा को समझना है, उपयोग करना है। अब भगवान हमारे लिए मनोविकार बनाया होता, भगवान हमारे मन में काम की बात ना पैदा किए होते, क्रोध पैदा किए, लोभ पैदा किए होते, मोह बैर पैदा किए होते, तो भगवान से विनय वंदना करते कि भगवान मैं तो नहीं चाहता था काम की वासना पढ़ना, क्रोध में पढ़ना, लोभ मुंह में पढ़ना, तुमने जबरदस्ती मुझे ढकेल दिया है, अब तू ही बचा। तो भगवान ने तो हमारे मन में विकार पैदा नहीं किया, सुख मानकर या दुख मानकर, अपना मानकर, पराया मानकर हम स्वयं मनोविकार बना लिए। जितने मनोविकार हैं हम बनाते हैं केवल सुख के लिए, दुख के लिए नहीं बनाते, लेकिन वो मनोविकार दुख का कारण, मतलब क्यों, वो आग है। सुख मान करके हम आग को पकड़ेंगे तो जलना स्वाभाविक है, न पकड़े आग को जलेंगे क्यों, पीड़ित क्यों होंगे। लेकिन अंधे ही आंखों न सूझे, साहब कहते तुम ऐसे अंधे बन गए हो कि तुम्हारी आंखों सुझाई नहीं पड़ रहा है, आदत तुम बना रहे हो, दोष दूसरों को दे रहे हो, अपने भाग्य को, अपने भगवान को, भगवती को। जब तक अपनी गलती को हम स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उस गलती का त्याग करना असंभव है। हमें स्वीकार करना होगा कि अपने दुख का कारण मैं स्वयं हूं, मेरी असहनशीलता। असहनशीलता के मूल में क्या है, अहंकार और आसक्ति। जितनी आसक्ति होती जाएगी उतनी असहनशीलता बढ़ती जाएगी, जितना अहंकार होता जाएगा उतनी असहनशीलता बढ़ती जाएगी। असहनशीलता कौन बनाए, हमने बनाया, आसक्ति बना बना करके हमने अपने को बड़ा मान लिया, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये आसक्ति बना ली, चीज नहीं मिली, असहनशील हो गए, भड़बड़ा गए क्रोध में, दुखी हो गए, किसी को बैरी मान लिए कि ये मेरे सुख का रास्ता, सुख के रास्ते में कांटा बन गया। हमने अपने को बड़ा मान लिया, मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना विद्वान, मैं गुरु, मैं साधु, मैं घर का मालिक, अब काम प्रतिकूल हो गया, किसी का काम प्रतिकूल है या नहीं हमने मान लिया, असहनशीलता पैदा हो गई, अब जलते रहो आग में। तो जब तक हमें स्वीकार नहीं करेंगे कि अपने दुखों का कारण मैं स्वयं हूं, तब तक कभी दुखों से हम मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। जब हम मान रहे हैं कि मेरे दुख का कारण बाहर है तो बाहर तो बना ही रहेगा ना, बाहर का जो निमित्त है वो तो बना ही रहेगा, वो दूर कैसे होगा। कहीं चले जाओ, किसी न किसी बात को लेकर विरोध करने वाले, निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले, काम बिगाड़ने वाले मिल ही जाएंगे, तब क्या करोगे। किसी दूसरे को सुधारना नहीं है, सुधारना है सबसे पहले अपने आप को, चाहे घर में रहें, चाहे वन में रहें, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, तो माता पिता हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई बंधु हो, दूसरे सब सुधर जाएं तब हम सुखी होंगे, असंभव। सबके सब सुधर जाएं तब मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा सोचना गुरुदेव जी की भाषा में कहें तो
बर्फ़ को भून करके खाने को सोचना है। किसी को बर्फ़ दो खाने के लिए, वो कहता है यार ये बर्फ़ तो बहुत ठंडी है, नहीं खाऊंगा, इसे आग में भून करके खाऊंगा। खा पाएगा कभी? आग में डालोगे गल कर कहाँ जाकर पता नहीं चलेगा। जैसे बर्फ़ को भून करके खाने की बात असंभव है, ऐसे ही सबको सुधार करके अपने सुधारने की बात असंभव है। सबको सुधार करके हम दुख मुक्त हों ये असंभव है। सब बिगड़े रहें, हमने अपने को सुधार लिया, अपने मनोविकारों को मिटा लिया, शांत कर लिया, अपने मन को स्वस्थ कर लिया, सारा राग मोह त्याग करके अनासक्त निष्काम निर्मोह हो गए हम, बस हमारा दुख खत्म। लेकिन हम इतने अंधे बने हुए हैं कि बात समझ में आती ही नहीं। ले साहब कहते हैं अंधे आंखों सूझे, तुम अंधे बने हो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, जल रहे हो, उसी जलन को ही मान लिए हो, यही शांति है। काम को स्वभाव मान लिया, काम वासना पढ़ना चाहता है, लोग कहते हैं ये तो नैसर्गिक है, ये तो प्रकृति है। क्रोध को स्वभाव मान लिया, मोह करना स्वभाव मान लिया। अब स्वभाव मान लिया तो त्याग कैसे करोगे? उनमें जलते रहोगे रात दिन, दुख पर दुख भोगते रहोगे, लेकिन त्याग नहीं हो पाएगा और जिंदगी भर दुख भोगते रह जाओगे। इसलिए साहब दृष्टि में हम सब अंधे हैं। गाय तो नहर खायो, हरिन खायो चीता, काग लंगर फांद के बटेर बाज जीता, मूस तो मंजारी खायो, स्यार खायो स्वाना, आदि को उदेश जाने ताश बेस बाना, एक ही दादुर खायो पांच ही भुवंगा, कहीं कबीर पुकार के है दो एके संगा। गाय ने सिंह को खा लिया, हिरण ने चीता को खा लिया, चूहे ने बिल्ली को खा लिया, स्यार ने कुत्ते को खा लिया, और एक मेढक था जिसने पांच सांपों को खा लिया। आप विश्वास करोगे? ये उल्टी बात है कबीर साहब की। गाय, हिरण, चूहा बिल्ली बटेर और मेढक, ये सब कमजोर हैं। सिंह, चीता, बिल्ली, बाज, कुत्ता, सांप, ये सब बलवान हैं। गाय सिंह को कैसे खाएगी और हिरण चीता को कैसे खाएगा? गाय के सिंह के सामने सामने गाय का क्या चलेगा, चीता के सामने हिरण का क्या चलेगा, और सांप के सामने मेढक का क्या चलने वाला है, बिल्ली के सामने चूहे का क्या चलने वाला है? लेकिन नहीं, चूहे ने बिल्ली को खा लिया, मेढक ने सांप को, हिरण ने चीता को और गाय ने सिंह को, ये उलटवासी है। यहाँ गाय, हिरण, चूहा, सियार, बटेर और मेढक कमजोर पक्ष के हैं, सिंह, चीता, बिल्ली, कुत्ता, बाज, सांप ये बलवान पक्ष के हैं, ये रूपक हैं। जितने भी दुर्गुण हैं जिन्हें हम कह सकते हैं आसुरी संपदा, वे सब कमजोर हैं। और जितने सद्गुण हैं दैवी संपदा, वे बलवान हैं। लेकिन हमारी भूल के कारण, हमारी असावधानी के कारण दुर्गुणों ने ही सद्गुणों को दबा रखा है। काम कमजोर है, निष्कामता बलवान है, क्रोध कमजोर है, क्षमा प्रेम बलवान है। क्यों? काम की वासना में कोई भी व्यक्ति
जीवन भर जी नहीं सकता है। कुछ समय के लिए स्त्री और पुरुष के मन में काम की वासना आती है, कितना परवश है, स्त्री को पुरुष चाहिए, पुरुष की स्त्री, एक दूसरे के अधीन गुलाम बन जाना पड़ता है। काम की वासना आई, व्याकुल हो गया मन, चंचल उद्विग्न हो गया, आपा में नहीं रह पाता है, विवेक खो जाता है। उस काम की वासना में कैसे आप जी सकते हो सदैव, लेकिन निष्कामता में जीवन पर्यंत बहुत आराम से जी सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। निष्कामता में कोई उद्विग्नता नहीं है, व्याकुलता नहीं है, विवशता नहीं है, मलिनता नहीं है, चंचलता नहीं है, पूरी पूरी आत्मस्वस्थता है, शांति है, स्थिरता है, सुख है, आनंद है। तो काम बलवान है, लेकिन हमारी भूल से काम ने निष्कामता को दबा रखा है। काम निर्बल सबल निष्कामता को दबा रखा है। क्रोध एक क्षण के लिए आता है, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, चेहरा विकृत, आंखें विकृत, दबान विकृत, हाथ पैर विकृत, सब में फिर। एक क्षण का क्रोध कितना भयंकर नुकसान कर सकता है सबको अनुभव है, लेकिन उस क्रोध ने क्षमा को दबा रखा है। क्रोध में क्या कोई सदैव आराम से जी सकेगा, लेकिन क्षमा में, प्रेम में पूरा जीवन बहुत आराम से, सुख से, आनंद से व्यतीत हो सकता है। ऐसे आप और समझ लो, लोभ में आप जीवन भर सुख से नहीं जी सकोगे, लोभ में तो और हाय 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 हाय, तृष्णा तृष्णा, हमेशा असंतोष की आग में जलना होता है। लोभी आदमी कौन सा पाप नहीं कर लेता, लोभी आदमी सुख से कैसे जी पाता, जो मिला है उसको भी समझ नहीं पाता, आनंद से नहीं जी पाता। लेकिन संतोष में आप, संतोष में तो पूरे जीवन को बहुत आराम से जी ले, संतोष में कभी किसी बात को लेकर के कमी का अनुभव होगा ही नहीं। लेकिन लोभ ने संतोष को दबा रखा है। तो ये जो आश्रित संपदा है, दुर्गुण है कमजोर, सद्गुण है मूलतः बलवान। हमारी भूल के कारण, नासमझी के कारण, उल्टी दिशा में जाने के कारण दुर्गुणों ने सद्गुणों को दबा रखा है, और इसी कारण हम निरंतर दीनहीन बने हुए हैं, दुर्बल लाचार बने हुए हैं। ये पानी में आग जलने के लिए साबित की और व्याख्या करते हैं। इसमें साहब एक बात कहते हैं, आदि को उदेश जाने तासु बेस बाना, जो आदि के उद्देश्य को समझता है उसी का वेश बाना धारण करना सार्थक और सफल होता है। आदि का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य मतलब उद्देश्य, लक्ष्य। आदि, आदि के दो अर्थ, आदि का एक अर्थ होता है आरंभ और दूसरा अर्थ होता है मूल। यहाँ आदि का अर्थ है मूल, वास्तविक, सच्चा। हमारा मूल उद्देश्य क्या है, वास्तविक उद्देश्य क्या है, दुखों की निवृत्ति। न हमें परमात्मा पाना है, परमात्मा पाना हमारा उद्देश्य नहीं है, मोक्ष पाना हमारा उद्देश्य नहीं है, आनंद पाना हमारा उद्देश्य नहीं है, सुख पाना भी हमारा उद्देश्य नहीं है। क्यों, जरा सोचो, दुख ना हो तो आपको आप सुख की इच्छा क्यों करोगे। आपको यदि भूख ना लगी हो, पूरा पेट एकदम भरा हुआ हो, आप भोजन की इच्छा करोगे, भोजन की तलाश करोगे। प्यास ना लगी हो,
तृप्त हो है मन एकदम, आपको पानी की आवश्यकता होगी, पानी की खोज आप करेंगे, रोग न लगा हो, जो आपके शरीर में कोई रोग ना हो, शरीर पूरा निरोग स्वस्थ सबल है, कभी दवाई के बारे में सोचोगे, किसी डॉक्टर के पास जाओगे, जरूरत ही नहीं है ना। हम रोगी हैं इसलिए हमें दवाई और डॉक्टर की आवश्यकता होती है, हम दवा और डॉक्टर की खोज करते हैं। प्यास लगने पर, प्यासे होने पर पानी की तलाश करते हैं और भूख लगने पर भोजन की तलाश करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम दुखी हैं, उस दुख को मिटाने के लिए हमें सुख चाहिए, उस दुख को मिटाने के लिए हमें मोक्ष चाहिए, उस दुख को मिटाने के लिए हमें परमात्मा चाहिए। और दुख ना हो तब न परमात्मा, न मोक्ष, न सुख, कुछ नहीं चाहिए। तो हमारा मूल उद्देश्य न सुख पाना है, न मोक्ष पाना है, न परमात्मा पाना है, एक ही उद्देश्य है, दुखों की निवृत्ति, दुखों से छुटकारा, दुखों से बचना। और कैसे बचना? सदा सदा के लिए बचना। तो इसको जो जानता है कि मेरा मूल उद्देश्य दुखों से छुटकारा पाना है, उसी का धार्मिक वेश बनाना सार्थक और सफल है। लेकिन दुखों से छुटकारा पाना उद्देश्य तो है, लेकिन दुखों से हम छुटकारा कैसे पाएं? दुख तो है जीवन में, इनकार तो नहीं किया जा सकता, हर आदमी दुख का अनुभव कर रहा है, हर आदमी, हर प्राणी कह सकते हैं, लेकिन मानवीयता प्राणी दुखों से सर्वथा छुटकारा नहीं पा सकते, उनके पास सामने विवशता है। मनुष्य मात्र दुखों से छुटकारा पा सकता है, वो भी कौन दुख? मानसिक दुख। एक होता है शारीरिक दुख, शरीर में रोग लग गया, कीड़े ने काट दिया, ठंडी लग गई, गर्मी लग गई, ये शारीरिक दुख। ये दुख तो ज्ञानी से ज्ञानी को भी भुगतना पड़ सकता है, ज्ञानी के शरीर में भी रोग लग सकता है, ज्ञानी को भी मच्छर काटेगा, ज्ञानी को भी मक्खी काट सकती है, ज्ञानी को भी सांप काट सकता है, ज्ञानी को भी भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, ज्ञानी शरीर में बीमारी होगी। तो ये शरीर का दुख नहीं है, इस शरीर का दुख तो तब मिटेगा जब तक, जब जिन कर्मों के फलभोग से शरीर बना है वे सारे के सारे कर्म फलभोग अपना भोग दे करके शांत हो जाएंगे तब। हाँ, लेकिन अंतर ये भी होता है, अज्ञानी के शरीर में भी रोग आ जाता है, ज्ञानी के शरीर में भी, बाहरी स्तर पर, शरीर के स्तर पर, भौतिक स्तर पर ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के जीवन में दुख आ सकते हैं, लेकिन दोनों के दुख, शरीर में दुख आते हुए भी दोनों के मानसिक स्थिति में अंतर होता है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। ज्ञानी उस दुख को शांत होकर सहन करता है, ठीक है भाई मेरे कर्म का फल भोग आ गया है, समय हो गया था, दुख चला जाएगा, शांत रहता, उद्विग्न नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, हाय हाय नहीं करता। और अज्ञानी थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के हाय हाय करता, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, या हाय हो गया। ज्ञानी का लक्षण है बड़े से बड़े दुख आ जाने पर शांत होना, और अज्ञानी वह है कि थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के अशांत और व्याकुल उद्विग्न हो जाना। तो आदि उद्देश्य हमारा क्या है? दुखों की निवृत्ति। लेकिन यह समझना होगा कि दुख क्यों हुआ, आखिर दुख आया है तो कोई कारण भी होगा ना, बिना कारण के तो कार्य होगा नहीं, ये प्रकृति का नियम है, दुख तो कार्य है, इस दुख रूपी कार्य का कारण क्या है,
उस कारण को भी जानना होगा और जान करके दूर करना होगा। जितने भी हमारे दुख हैं, मानसिक दुख जो हमें रात दिन पीड़ित कर रहे हैं, उन सारे दुखों का कारण है हमारे दोष, हमारी अपनी भूलें, हमारी अपनी गलतियां। कभी ना कभी हमने कोई गलत काम किया है, हमने हमारे मन में अभी कोई दोष बना हुआ है। तो दोष बना हुआ है तो हमें दुखी तो होना ही होना है। गुरुदेव जी की पंक्तियां हैं, कौन कहता है कि दुख है और अंतःमल नहीं है, चित निर्मल में कभी देखा किसी ने दुख कहीं है। दुख का कारण कोई है दूसरा ऐसा बताना, छोड़कर सुविवेक यह है मन के पीछे भाग जाना। जितना हमारा मन मलिन रहेगा उतना हम मन से पीड़ित रहेंगे। ये मलिनता, मन की गंदगी, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा दोष। और हम स्वीकार करने तैयार ही नहीं है कि मेरा मन मलिन है। कोई हमें कह दे ये बाबा ज्ञान की तो बड़ी बड़ी बात कहता है लेकिन इसका मन हमेशा गंदा बना रहता है, बस सुनकर हम दुखी हो जाएंगे। ये दुखी होना हमारे मन की मलिनता की पहचान है। अपने मन की मलिनता को जो पहचान लिया, अपने मन की कमजोरी को जो पहचान लिया और पहचान करके उसको त्यागने के लिए जो तैयार है, साधना कर रहा है, उसी का धार्मिक वेश बनाना सार्थक है। धार्मिक वेश में चाहे चोटी रखना का हो, चाहे जनेऊ पहनना, चाहे चंदन लगाना, चाहे साधु का कपड़ा पहनना, ये सब धार्मिक वेश है। किसी भी प्रकार का धार्मिक वेश हो, अनेक प्रकार के हैं। कोई लाल कपड़ा पहनता, कोई गेरवा, कोई और को सफ़ेद, कोई कुछ और पहनता है। तो धर्म का वेश बना लेना बहुत सरल बात है, बड़ी बात है और कठिन बात है अपने दुखों के कारण मलिनता को समझना, स्वीकार करना और स्वीकार करके उसे दूर करना। जो स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरा मन गंदा है, मलिन है, दोषों से भरा हुआ है, फिर वो निकालने के लिए साधना करना शुरू भी कर देगा। वही फिर उसका ज्ञान जीवन उतर जाएगा और ज्ञान को जीने लग जाएगा। वही ज्ञानी है, वही श्रेष्ठ ज्ञानी। तो इस पद की शुरुआत में सद्गुरु कबीर कहते हैं, ज्ञानी तो अपने को सभी लोग मानते हैं लेकिन असली ज्ञानी वह है जिसने शरीर संसार के मोह का त्याग कर दिया, सबसे अनासक्त होकर अपने मन को आत्मा में लगा लिया, आत्म तत्व में मन को लीन कर दिया। साथ साथ जो ये समझ लिया कि मैं अपने मनोविकारों के कारण दुखी हूँ, मेरा स्वभाव, मेरा स्वरूप स्वभाव से शीतल शांत मुक्त आत्म मुक्त है लेकिन मेरी अपनी भूल के कारण इसमें अनेक प्रकार के विकारों की आग जल रही है और उसी जलन से मैं दुखी हूँ। मेरे दुख का, मुझे दुख देने वाला बाहर दूसरा कोई नहीं है, केवल मैं हूँ, ऐसा जानकर जो अपने मन के विकारों को, मलिनताओं को छोड़ने के लिए साधनाबद्ध साधना में लग जाता, कटिबद्ध हो जाता है, समर्पित होकर के लग जाता है, वही धार्मिक है, वही साधक, वही साधु है और वही ज्ञानी है। हमारे लिए सद्गुरु कबीर का आदेश और निर्देश है कि हम अपनी कमजोरी को, मलिनता को समझें, स्वीकारें और स्वीकार करके उन्हें दूर करने के लिए आज से और अभी से समर्पित भाव से लग जाएं। इसी जीवन में हम सारे मानसिक क्लेश और दुखों से पूरा पूरा छुटकारा पा सकते हैं। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम